टॉक्सो से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चाकसू से बड़ी खबर, फार्म पॉन्ड में डूबने से बालक समेत दो की मौत। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम पहुंची मौके पर, दोनों का शव पानी से निकाला बाहर। बता दें कि दोस्तों के साथ फार्म पॉन्ड में नहाने गए थे और इस दौरान ये हादसा हो गया। बता दें कि चाकसू की मॉर्चरी में पुलिस ने शव को रखवा दिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट चुकी है पुलिस। बता दें कि फार्म पॉन्ड में डूबने से बालक सहित दो की मौत। दोस्तों के साथ फार्म पॉन्ड में गए थे और ऐसे में हादसा हो गया, दोनों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। फार्म पॉन्ड के अंदर यह हादसा हुआ है, दोस्तों के साथ नहाने गए थे और इस दौरान यह हादसा हो गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है पुलिस। कोटखावदा के चिकरिया गांव की पूरी घटना, फार्म पॉन्ड में डूबने से दो बालक की मौत। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची, दोनों के शव को पानी से बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि दोस्तों के साथ फार्म पॉन्ड में उतरे थे और मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुकेश, देखिए जिस तरह से चाकसू का ये मामला है, जहां पर दोस्तों के साथ फार्म पॉन्ड में उतरने का मामला आया सामने और दो बच्चों की इसमें मौत हो गई है, ऐसे में आपके पास क्या ताजा जानकारी इसको लेकर? आज ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ये सुबह की घटना है। जब फार्म पॉन्ड जो खेत में बना हुआ था, उसमें ये अपने दोस्तों के साथ जो दोनों बालक हैं वो नहाने के दौरान उतरे थे। उस दौरान इनको पानी का गहराई का अंदाजा नहीं रहा। हालांकि ये 10-12 फीट ये जो बताया जा रहा था फार्म पॉन्ड, इसमें ये दोनों बालक डूब गए थे, जिसमें दोनों की मौत हो गई। मौके पर जो पुलिस पहुंची और जो ग्रामीणों की मदद से दोनों बालकों के शव बाहर निकाल दिए गए हैं। जी मुकेश, कहाँ के रहने वाले थे दोनों बालक? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घटना टिकरिया भूजन गांव की है, जो कोटखावदा थाना इलाके में पड़ता है, वहाँ से ये रहने वाले थे जी। और इनके कुछ साथियों के साथ ये नहाने उतरे थे, जिसमें जो मृतक है सचिन गुजर और एक उसका साथी, दोनों की डेथ हो गई। जी मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।